आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बायोग्राफी हम दोस्तों देख रहे हैं, पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और ये उसका पार्ट टू यानी कि भाग दो है। इनकी पूरी जर्नी को देख रहे हैं, हम पूरी जर्नी को कवर कर रहे हैं और अभी तक हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, किस तरह पे इनके आरोप लगाए जाते हैं वो किसी से छुपा नहीं है दोस्तों। इनके कार्यकाल में इन पे बहुत आरोप लगाएगा, लेकिन कोई इंसान अगर बोलता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, इसका मतलब ये कि वो समझदार है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर जितने भी आए हैं इन सब चीजों पे जवाब नहीं देते, आप देख ही रहे होंगे। कोई भी प्राइम मिनिस्टर मतलब सारे प्राइम मिनिस्टर जितने भी आए हैं वो फालतू चीजों पे कभी जवाब नहीं देते, देख रहा है कि नहीं। तो यही चीज मैं बोलना चाहता हूं। तो ये जो आरोप होते हैं ये सब एक तरह से पॉलिटिकल टैक्टिक्स होती है। खैर आगे बढ़ते हैं। सिड अंडरस्कोर रीकनेक्ट, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरा फेसबुक पेज, यहां पे आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, लेक्चर की पीडीएफ और अपडेट ले सकते हैं। भैया दिवाली खत्म हो गई लेकिन हमारी दिवाली की सेल चालू है, 60% सारे कोर्सेस पे ऑफ चल रहा है। आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए और अपनी ड्रीम जॉब निकालिए घर बैठे बैठे। अभी तक हमने क्या देखा था, 1932 में मनमोहन सिंह जी का जन्म होता है, उसके बाद पार्टीशन होता है, माइग्रेट करते हैं, बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं पढ़ने में, हमेशा जब भी एग्जाम देते हैं क्लास में फर्स्ट आते हैं। उसके बाद फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फिर ये बाहर जाते हैं कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड, वहां पे अपनी पीएचडी पूरी करते हैं। अब भैया भारत में उस समय शिक्षा का स्तर इतना बड़ा नहीं था, कोई भी अगर बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसको इतनी ज्यादा वेटेज दी जाती थी। देखिए नॉलेज इज पावरफुल, याद रखिएगा, जो जिस इंसान के पास ज्ञान है ना सबसे बड़ा धन ज्ञान होता है, वो पूरी दुनिया जीत सकता है। तो ये तो ज्ञानी इंसान थे, इंटेलेक्चुअल इंसान थे, बहुत बड़े इनका जो माइंड था वो एक ब्रिलियंट माइंड था, एक ब्यूटीफुल माइंड था, तो कोई भी इनको खोना तो चाहता नहीं था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कोशिश की और फाइनली ये वन पार्टी सिस्टम था भैया, उस समय बहुत बड़ी पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, बाद में इमरजेंसी के बाद बहुत सारी पार्टियों का उदय हुआ, तो ये चीज है। तो उसके बाद फिर ये यहां पे आते हैं और फिर ये इकोनॉमिक एडवाइजर, आरबीआई के गवर्नर, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन, यूजीसी के चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन आई मीन प्लानिंग कमीशन के, तो बहुत सारे इनको पद मिलते जाते हैं इनके स्टैट्यूट के हिसाब से, क्योंकि इनका कैलिबर इतना बड़ा होता है। और अल्टीमेटली 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी जब आते हैं तब ये भैया वित्त मंत्री होते हैं, ठीक है। तो वहां पे फिर ये एलपीजी रिफॉर्म ले आते हैं, पूरा का पूरा जो पीछे का दिमाग था वो तो मनमोहन सिंह जी का था, पीवी नरसिम्हा राव ने तो उसको इनिशिएट किया था। पीवी नरसिम्हा राव ने हमेशा से ये कोशिश की कि मनमोहन सिंह ये जो गंदी पॉलिटिक्स है इससे बचे रहें। और एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों कि मनमोहन सिंह कभी भी लोकसभा चुनाव जीत के तो आए नहीं, वो हमेशा राज्यसभा से चुन के आते रहे। उनको पता था लोकसभा चुनाव अगर मैं जीतूंगा तो हारूंगा, क्योंकि इनकी फील्ड अलग थी, ये कोई पॉलिटिशियन थोड़ी ना थे, ये तो एकेडमिशियन थे, ये तो टीचर थे, इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, इनका दिमाग इतना बेहतरीन था, इंटेलेक्चुअल लेवल था, लोगों में ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय तो थे नहीं, तो इनको पता था। लेकिन देश को सही रास्ते पे लाने के लिए इनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, इनके गाइडेंस, इनके दिमाग की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए राज्यसभा से चुन के ये बार बार आते रहे। भैया इंडिया के तो एक तरह से मतलब इंडिया को तो बचा लिया था ना इन्होंने 1991 में, वरना भारत तो बिक गया था लिटरली उस वक्त। तो ये चीज थी। तो अब क्या है कि उसके बाद 1999 में इलेक्शन होते हैं, बीजेपी की सरकार आती है। दोस्तों क्या था कि 1990 से लेकर 1999 में जितनी अनस्टेबिलिटी रही थी और जितना खतरनाक सिचुएशन रही थी, गठजोड़ की सरकार, एलपीजी रिफॉर्म्स, हर्षद मेहता केस, वो सब 1999 में खत्म हो गई। फाइनली एक सरकार आती है, द ग्रेट अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी भी बायोग्राफी का मैंने रिव्यू किया है, जबरदस्त प्राइम मिनिस्टर थे ये। उनकी सरकार 5 साल तक सकुशल चलती है, उन्होंने बेहतरीन रिफॉर्म्स लागू किए और फिर 2004 में मनमोहन सिंह जी की सरकार आती है, जब लोकसभा इलेक्शन होते हैं, बीजेपी मतलब एनडीए हारता है और यूपीए जीतता है, ठीक है। तो यहां पे फिर पॉलिटिकल ड्रामा चलता है, सोनिया गांधी बोलती है मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना, मेरा कौन साइंस मुझे ये नहीं बोल रहा है। मनमोहन सिंह को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे, इसमें मूवी भी बन रही है, इसी साल रिलीज हो जाएगी, अनुपम खेर जी जो है जो काफी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं वो इस समय मनमोहन सिंह जी की किरदार निभा रहे थे। और हाल ही में उनका एक बयान आया था कि गलत समझा जाता था काफी मनमोहन सिंह को, ऐसा बोला जाता था वो बोलते नहीं थे लेकिन काफी ज्यादा वो बोलते थे, ये बिल्कुल एक र्यूमर है। खैर उस मूवी का वेट करना पड़ेगा। अच्छा था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एक बुक है, किसने लिखी थी चलिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिए फटाफट, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ये 2004 और यहां से फिर रिफॉर्म्स की झड़ी लगा देते हैं। 2007 में भारत 9% तक चला गया था,
हमारी ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट 9% तक हो गई थी दोस्तों। अगर ग्लोबल क्राइसिस नहीं आई होती तो शायद यूपीए दोबारा सरकार बनाने में सफल होती। दोस्तों मैं आज आपको एक चीज बताना चाहता हूं, देखिए भारत में एक बहुत जबरदस्त चीज है जो शायद किसी भी देश में नहीं, बहुत कम देश है जो शायद किसी भी देश में तो नहीं, ऐसा तो बोलना गलत होगा, लेकिन बहुत कम देश है जो ये साबित कर पाया है। भारत में डेमोक्रेसी है और एक प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी, एक ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी है। भारत के कंबाइंड इंटेलेक्चुअल को हम कभी भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर कोई भी सरकार गलत कर रही है तो यहां की जनता उसको बाहर उठा के फेंक देती है। अगर जरा सी कुछ उनको लगा तो वो बाहर उठा के फेंक देगी, अगर काम नहीं करेंगे तो बाहर उठा के फेंक देती है। भारत का कंबाइंड इंटेलेक्चुअल, कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी बोले, कोई सर्वे कुछ भी बोले, लेकिन कभी भी हम भारत के कंबाइंड इंटेलिजेंस को क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त है। तो क्या है कि यहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की दूसरी बार सरकार आई थी। अब इसका मतलब यही है कि पहली बार इनका टेन्योर बहुत अच्छा रहा होगा, बहुत अच्छा रहा था, हर चीज कंट्रोल में थी, लेकिन उसके बाद फिर 2007 में अमेरिका का जो हाउसिंग रिसेशन आया, जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई, उसने सब कबाड़ा कर दिया। और शायद अगर ये चीज नहीं हुई होती तो हो सकता है यूपीए की दोबारा सरकार बन जाती, लेकिन 2014 में इलेक्शन हुए और उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी जी आए। वैसे भी 2014 में ये बोल दिया था मनमोहन सिंह ने कि मैं अब रिटायरमेंट हो रहा हूं, ले रहा हूं, और अब मुझे नहीं बनना है प्राइम मिनिस्टर, मेरा कार्यकाल यहीं तक सीमित था। अब दोस्तों पिछली सरकार के काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट थे, आमतौर पर मैक्सिमम उनको बंद कर दिया जाता है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, जारी रखा। गोल्डन क्वाड्रिलेटर उनमें से एक था। गोल्डन क्वाड्रिलेटर, अरे भैया चार दिशाओं को जोड़ दो, साउथ नॉर्थ, साउथ ईस्ट वेस्ट, कलकत्ता चेन्नई मुंबई और दिल्ली, पूरा जोड़ो, एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ। भैया चार साइडेड फिगर होता है ना क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बनाओ, मतलब चार साइडेड नहीं, मल्टीपल साइडेड फिगर होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर ये वैट भी लेके आए, वैट सेल्स टैक्स को रिप्लेस किया। आपको पता है ना भारत में कैस्केडिंग इफेक्ट था, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, रेट आर्बिट्रेज बहुत थे एक स्टेट से दूसरे, लेकिन उसके लिए ये वैट लेके आया, वैल्यू एडेड टैक्स, और फिर उसको अभी रिप्लेस किया गया जीएसटी। जब जीएसटी आया, आपको पता है ना भारत में टैक्सेशन डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए जीएसटी अभी आ गया है, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या हुआ कि सबसे सिंपल कंडीशन, सबसे सिंपल डेफिनेशन, अरे डायरेक्टली इन्वॉल्व इनकम टैक्स, सरकार आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, सरकार डायरेक्टली काटेगी इनकम, मतलब आपकी इनकम पे टैक्स। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट टैक्स है ना, सरकार डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है। इनडायरेक्ट में क्या है कि अगर सरकार और आपके बीच में कोई भी एक इंसान हो, इनडायरेक्टली आप अगर सरकार को टैक्स दे रहे हैं, जैसे आप मैकडी में खाना खाते हैं, मैकडी में बिल आता है, तो वो इनडायरेक्टली सरकार को जा रहा है ना, पहले आप उसको दे रहे हैं, वो सरकार को दे रहा है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो इसको एक तरह से इनिशिएट वहां से किया गया था मनमोहन सिंह जी, जब वो वैट लेके आए थे, ठीक है। तो ये चीज थी। उसके बाद बहुत सारे इन्होंने रिफॉर्म्स किए, तभी तो ग्रोथ रेट इतनी चली गई थी, ठीक है। इन्होंने राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 में है, फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी है राइट टू एजुकेशन। 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को आपको एजुकेशन देनी है, आप इनको वंचित नहीं रख सकते। और इसमें सबसे बड़ा हाथ क्या था, किसका था, कैलाश सत्यार्थी का। कैलाश सत्यार्थी के इतने सारे जो इनिशिएटिव हुए थे, ये फिर उसके बाद पारित किया गया था। और कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था जरा इसके लिए भी बता दीजिए, कौन सा संशोधन किया गया था वो भी बता दीजिए 2002 में, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये दो सवाल आपके हो गए, ठीक है। तो ये चीज थी। उसके बाद फिर सूचना का अधिकार भी दिया, आईटीआई एक्ट भी लेके आए, यूएपीए, 8 नए IITs और खोले गए, नेशनल हेल्थ मिशन, आज आयुष्मान जो उसकी छवि है एक तरह से, 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को इंश्योरेंस के दायरे में, ताकि अगर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम आएगी सरकार पीछे खड़ी हुई है। जिस तरह से अमेरिका में बराक ओबामा ने, उनकी भी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, ओबामा केयर लॉन्च किया था ना, उसी की ही तर्ज पे ये आयुष्मान भारत या मोदी केयर एक जबरदस्त स्कीम है दोस्तों, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा वो देखना हमको जरूरी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली, और ये सच है, भारत में उस तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। आई होप ये स्कीम बहुत सफल हो, क्योंकि ये एक वरदान होगा गरीबों के लिए। गरीब होना बुरा नहीं है, क्योंकि उसको तो आप मेहनत करके उस गरीबी को हटा सकते हैं, लेकिन गरीब का बीमार करना, ये गरीब का बीमार पड़ना, ये एक बहुत बड़ा अभिशाप है।
तो ये चीज है। सर्व शिक्षा अभियान इन्होंने किया, जिसके तहत मिड डे मील्स मिलती थी, लाइब्रेरीज और लिटरेसी पे इन्होंने काफी फोकस किया मनमोहन सिंह जी ने। फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA भी क्रिएट हुई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। दोस्तों आपको पता ही है कि भारत में टेरर अटैक्स हुए थे, ठीक है, मुंबई टेरर अटैक जो 2008-09 में हुए थे, ये इसी मुंबई अटैक्स को काउंटर करने के लिए दोस्तों बनाया गया था 2008 में, जब 5 आतंकवादी आए थे समुद्र के रास्ते से और मुंबई में तबाही मचा दी थी, आपको पता ही होगा, ठीक है। कुछ काफी इंपॉर्टेंट जो हमारे ऑफिसर्स थे, बहुत बड़े ऑफिसर्स थे, उनमें इसमें जान भी गंवा दी थी। उसके बाद आधार, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी तभी एस्टैब्लिश हुआ। आज आधार हर जगह लागू कर दिया गया है, टेलीफोन चाहिए तो आधार चाहिए, स्कूल में जाइए तो आधार चाहिए, हर जगह आधार जो लॉन्च कर दिया, लागू कर दिया गया है, वो उसी समय आ गया था, ठीक है, अच्छी बात है, आधार से बहुत ज्यादा बेनिफिट है, लेकिन हर चीज में लागू करना ये शायद सही नहीं है। हालांकि अभी जजमेंट को हमको देखना पड़ेगा, और भी अभी इसमें जजमेंट आने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है सारी चीजें। तो ये भी उस समय लॉन्च किया गया था मनमोहन सिंह। देखिए दोस्तों क्या होता है ना कि क्रेडिट लेने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं, और ये सच बात भी है। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी स्कीम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा, ये भी तो लॉन्च हुई थी उस समय, बहुत बड़ी स्कीम थी दोस्तों। राइट टू वर्क, ये आपको काम करने की अनुमति देगी, ये रूरल में, रूरल एरियाज में बेसिकली इसको लॉन्च किया गया था, ताकि माइग्रेशन ना हो, काम मिल सके। 100 दिन तक आपको काम दिया जाएगा, 5 किलोमीटर के दायरे में आपको काम दिया जाएगा, 15 दिन तक अगर आपको काम नहीं मिलता है तो आपको बेरोजगारी भत्ता या अनएम्प्लॉयमेंट वेज आपको दिया जाएगा। इसको बाद में महात्मा गांधी भी इसके आगे जोड़ दिया गया, तो ये मनरेगा हो गया, इस समय ये मनरेगा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद RTE RTI, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि अगर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आता तो शायद इनकी सरकार दोबारा बन जाती। चलिए हम बात कर रहे थे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस क्या था, वैसे अमेरिका रिसेशन पर मेरा एक सेपरेट लेक्चर है दोस्तों। तीन चीजें होती हैं इकोनॉमिक्स में, कमर्शियल बैंक होता है, एक इन्वेस्टमेंट बैंक होता है, और उसके बाद फिर इंश्योरेंस होता है। ये तीनों चीजें होती हैं, इन तीनों को बेसिकली सेपरेट रखा जाता है। जब ग्रेट डिप्रेशन आया तीनों को सेपरेट कर दिया गया था, लेकिन बड़े बड़े जो लालची लोग हैं वॉल स्ट्रीट में बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से MBA करके, उन्होंने वापस इसको कंबाइन कर दिया, ग्राहम ब्रीच लाइली एक्ट लाके और ग्लॉस टीगल एक्ट को अबॉलिश कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया। अब दोस्तों क्या हुआ कि कमर्शियल बैंक जो होता है, जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, सेविंग्स अकाउंट आप देखते हैं ना, SBI, PNB, ये सब कमर्शियल बैंक है, इन्वेस्टमेंट बैंक, यहां पे बड़े बड़े कंट्रीज, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट बैंक और भी बहुत सारे जितने बड़े बड़े बैंक आप देख रहे हैं ना, ये इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर आता है। ये रिस्क में ज्यादा, मतलब जिनको बहुत जल्दी रिटर्न चाहिए और बहुत जल्दी पैसा चाहिए, तो वो यहां पे इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली नाम जैसे आपको सजेस्ट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट बैंक, ये रिस्की चीजों में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अब यहां पे बड़ी बड़ी कंट्रीज, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट करती हैं। और तीसरी चीज है इंश्योरेंस, अगर कोई भी चीज इंश्योर्ड ना हो दोस्तों तो भरोसा कहां है। अगर मान लीजिए आप गाड़ी खरीदते हैं, कोई भी गाड़ी खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इंश्योरेंस मिलता है, भरोसा है ना कि अगर गाड़ी चोरी भी होती है, डैमेज होता है, तो आपको पैसे उसके मिल जाएंगे, तो इंश्योरेंस है। इन तीनों को कंबाइंड कर दिया गया। अब कंबाइंड का मतलब क्या है दोस्तों, कि पूरी दुनिया ने भर भर के इस इन्वेस्टमेंट बैंक ने में इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब ये इन्वेस्टमेंट बैंक कमर्शियल बैंक से कॉन्टैक्ट कर रहा है कि इनको सिक्योरिटी दो। अब सिक्योरिटी क्या है दोस्तों, जरा मैं बोर्ड साफ कर देता हूं, आई एम सॉरी, बहुत ज्यादा गंदा हो गया है, हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा कमर्शियल बैंक, और ये रहा फिर इन्वेस्टमेंट बैंक, और ये रहा इंश्योरेंस, ठीक है। तो क्या हुआ कि इन तीनों को कंबाइन कर दिया गया। अब इन्वेस्टमेंट बैंक ने, बैंक में पूरी कंट्रीज या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेस्ट किया, तो इसने कमर्शियल बैंक को फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट किया कि तुम हमको सिक्योरिटी दो। दोस्तों आपको पता ही है ना कि अगर आप कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप बॉन्ड खरीद रहे हैं, तो बॉन्ड में क्या लिखा रहता है कि आप मुझे 100 रुपए दीजिए, मैं आपको इतने इंटरेस्ट पे इस टाइम पे पैसा लौटा दूंगा। तो यही होती है सिक्योरिटीज, यही इन्वेस्टमेंट बैंक जब कोई इन्वेस्ट करेगा उनको सिक्योरिटीज देगा। इस सिक्योरिटी को नाम गया CDO, कोलेट्रल डेट ऑब्लिगेशन, एक तरह की सिक्योरिटी थी। और ये कहां से, ये CDO कहां से बने थे, ये ढेर सारे जो मोर्टगेज पेपर्स थे ना, उनसे बने थे। मोर्टगेज पेपर्स क्या, देखिए दोस्तों यहीं से क्राइसिस शुरू हुई, ध्यान से सुनिएगा। कमर्शियल बैंक लोन देगा, कमर्शियल बैंक ब्रोकर, कमर्शियल बैंक ने ब्रोकर को कॉन्टैक्ट किया,
इस कमर्शियल बैंक ने इस ब्रोकर से बोला कि ढेर सारे लोगों को पकड़ के लाओ ताकि हम उनको लोन दे सके। अब अगर उनको लोन देंगे तो वो मोर्टगेज पेपर्स देंगे, वो भी सिक्योरिटी कुछ ना कुछ देंगे। ये कमर्शियल बैंक ये सारे मोर्टगेज पेपर देगा इन्वेस्टमेंट बैंक को, इन्वेस्टमेंट बैंक की एक इन पूरे मोर्टगेज पेपर्स की सिक्योरिटी बनाएगा, सीडीओ बनाएगा और ये इनको चिपकाएगा जितनी भी कंट्रीज हैं। तो बेसिकली सब खुश हैं, इनको सिक्योरिटीज मिल रही है, इन्वेस्टमेंट बैंक को पैसा मिल गया, कमर्शियल बैंक को भी मोर्टगेज पेपर्स मिल गए, हर कोई खुश है। लेकिन दिक्कत दोस्तों कहां आएगी, आपको इतने सारे लोगों को पकड़ के लाना है लोन्स देने के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ कि कमर्शियल बैंक ने बोला ब्रोकर से कि जितने ज्यादा हो सके लोगों को लेके आओ, हम उनको लोन देंगे ताकि उनके पेपर्स आए और वो पेपर्स हम इन्वेस्टमेंट बैंक को दे सके, ताकि वो इन्वेस्टमेंट बैंक वही सिक्योरिटीज बड़े बड़े देशों को, ऑर्गेनाइजेशन को दे सके। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहां पर बहुत बड़ी क्राइसिस का जन्म होने लगा जब किसी को भी ऐरा गहरा नथू खेरा पकड़ के लोन देना स्टार्ट कर दिया गया। देखिए इन्वेस्टमेंट बैंक ने यहाँ पे कमर्शियल बैंक पे प्रेशर बनाया कि हमको पैसा, हमको पेपर चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंक का पैसा आ रहा था ना, उसके पास तो बहुत सारा पैसा आ रहा था। तो कमर्शियल बैंक ने ब्रोकर पे प्रेशर बनाया कि जाओ लोगों को पकड़ के लाओ, हम उनको लोन देंगे। तो ब्रोकर किसी को भी पकड़ के लाने लगा। पहले तो प्राइम फैमिली जो सबसे अमीर फैमिली थी वो खत्म हो गई, उसके बाद सब प्राइम फैमिली जो उसके छोटी फैमिली थी उसको पकड़ के लेके आने लगा। तो वहां पे जब इतना बड़ा लोन का भंडार हो गया तब यहां पे पता चला सबको कि पता नहीं किस किस लोगों को लोन बांट दिए गए हैं, और यहां से क्राइसिस का जन्म होता है। ये लोन किस लिए थे? ये घर खरीदने के लिए थे। अब दोस्तों क्या है कि लोगों ने घर खरीद लिए हैं, लोन ले लिया है, लोन का पैसा आ नहीं रहा बैंक के पास, तो बैंक क्या करेगा, घर सीज करेगा। तो बैंकों ने एक के बाद एक घर सीज करना शुरू कर दिया। अब बैंक के पास ढेर सारे घर हो गए। अब उसके बाद जो लोग और लोन चुका नहीं पा रहे थे उन्होंने भी बोला कि हम अपने घर भी बेच रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे जो प्रॉपर्टीज की कीमतें ऊपर जा रही थी वो एकदम से धड़ाम से नीचे आई। अब ये तो बहुत खतरनाक कंडीशन हो गई है। लोग घर इसलिए लेते हैं कि उनकी कीमतें ऊपर जाएंगी, लेकिन वो तो नीचे आ गई। भारत में अच्छी बात यह है कि भारत में हर कोई सेव करता है, अमेरिका में कोई सेव नहीं करता है, अमेरिका में सेविंग का इतना कल्चर ही नहीं है। भारत में तभी तो बैंक सस्टेन करते हैं ना, सेविंग की यहां पर आदत है। तो सारी प्रॉपर्टी की कीमतें ही नीचे आ गई, सारी प्रॉपर्टी की कीमतें नीचे आ गई। जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया था उनके रिटर्न्स नहीं आए, इन्वेस्टमेंट बैंक उनके पैसे दे नहीं पाया, लेहमान ब्रदर्स पूरा डूब गया, पूरा बैंक डूब गया, आइसलैंड रातों रात बैंकरप्ट हो गया था। यह इतनी बड़ी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस खड़ी हो गई थी। अमेरिका में हर कोई इन्वेस्ट कर देता है ना, क्योंकि अमेरिका सबसे सिक्योर्ड प्लेस है, लेकिन इसी के कारण एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस, इसीलिए इसको यूएस हाउसिंग रिसेशन बोला जाता है, खड़ी हो गई थी। आप मेरा सेपरेट लेक्चर भी इस पे देख लीजिएगा, मैंने वो बनाया हुआ है। तो यहां पे इतनी बड़ी अगर प्रॉब्लम आ गई है तो मनमोहन सिंह इस प्रॉब्लम से देश को बाहर निकाल के लेके आए थे। जी हां, इसी की ही वजह से 2007 के बाद भारत का ग्रोथ रेट नीचे गया था। बहुत सारे रीजंस और भी थे, लेकिन ग्रोथ रेट इसी की वजह से, जो इतना ऊपर जा रहा था ग्रोथ रेट धड़ाम से नीचे गया। ये बहुत, क्योंकि ग्लोबली फाइनेंशियल थे ना, इससे तो हर कोई, और ये कंटेजियन होता है, ये फैलती है, एक देश में फैलेगी फिर दूसरे देश में फैलेगी, क्योंकि इस समय क्या है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के तहत हर देश एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, तो बेटा कोई भी डूबा दूसरा भी डूबता है। तो यही भारत के ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन फिर भी हम एक तरह से बच गए इसमें, और इसका श्रेय जाता है मनमोहन सिंह को। उन्होंने अपने उसमें भी बोला था, एक स्पीच में भी बोला था कि मैंने भारत को मंदी से बचाया है, और ये सही बात है दोस्तों। तो ये चीज है, आई होप आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, मैंने इसको 5 मिनट में वाइंड अप कर दिया है, आप मेरा सेपरेट लेक्चर देख लीजिएगा। तो अब 2009 के बाद जब इलेक्शन होते हैं दोस्तों, 2009 के बाद जब इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जरूर आती है, लेकिन वहां से प्रॉब्लम बहुत सारी स्टार्ट होने लगती है, क्योंकि एक के बाद एक आरोप जो है वो लगते रहते हैं। दूसरी चीज, फॉरेन रिलेशन बहुत बढ़िया थे मनमोहन सिंह जी से, अमेरिका के साथ इन्होंने न्यूक्लियर डील साइन की थी, याद है ना, सिविल न्यूक्लियर डील, वही जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने बोला था कि आप अपनी सिविल और मिलिट्री एक्टिविटीज बिल्कुल अलग रखेंगे और हम एनएसजी में आपको एग्जेप्शन दे देंगे, ठीक है। उसके बाद इंडिया चाइना के रिलेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हुए थे, नाथुला पास जो सिक्किम को तिब्बत, जो कि चाइना का ऑटोनोमस रीजन है, उससे कनेक्ट करता है, ये खुल गया था। हु जिंताओ भारत में आए थे, इसराइल से बहुत बढ़िया रिलेशन हो गए थे, अफगानिस्तान में भारत ने भर भर के एड दी, भर भर के चीजें पहुंचाई वहां पर, बहुत बड़ा काफी इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान लगे थे। कश्मीर अनस्टेबिलिटी भी उन्होंने काफी संभाल के रखी, यूरोपियन यूनियन, जापान, हर किसी से
मनमोहन सिंह जी ने अपने फॉरेन पॉलिसी बहुत बढ़िया बनाई थी, बहुत ही अच्छे से सारे जो थे रिलेशनशिप वो संभाल के रखे थे। पाकिस्तान से भी बहुत ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा पाकिस्तान की तो आदत है ना पीठ में छुरा भोंकने की, और जो वो करता है उसके साथ आज वही हो रहा है। तो ये चीज जो थी ना ये बहुत भारी पड़ गई। उसके बाद फिर इलेक्शन होते हैं, कांग्रेस पार्टी दोबारा, देखिए अच्छा काम किया तभी वो दोबारा, जैसा कि मैंने बोला ना कंबाइंड इंटेलेक्चुअल को आप कभी भी भारत के क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो उखाड़ भारत जो है वो उखाड़ के फेंक देती है। भारतीय जनता अगर उनको लगता है आप काबिल नहीं है, तो दोबारा 2009 में इलेक्शन में चुन के कांग्रेस आई और इस समय काफी अच्छे से आई, 322 मेंबर इनके चुन के आए और एक बहुत ही जबरदस्त जीत थी। लेकिन इसके बाद घोटाले हुए, 2G स्कैम हुआ, कोल आवंटन का दिक्कत आई थी, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, इसमें मनमोहन सिंह पे सीधे आंच आई, बोला वो भी इन्वॉल्व है, कैग की रिपोर्ट ने और बंटाधार कर दिया, सीधा सीधा ये इन्वॉल्व है, इन पे दाग लगा, इनको बोला कि आप इस्तीफा दीजिए। ऑपोजिशन ने भर भर के इन पे हमले किए, बहुत हमले किए, डेली आपने वो फेस तो देखा ही होगा कितने ज्यादा इन पे हमले होते थे, और हर इस पे जितने भी थे सब बहती गंगा में हाथ धोते थे, लेकिन तब भी मनमोहन सिंह शांत रहते थे, शायद उनको ये चीजें बोलनी चाहिए थी तो हो सकता है, लेकिन खैर जो है सो है। अब जो हुआ वो हुआ, क्योंकि नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ था और घोटाले भी हुए थे, ठीक है, तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ा दाग लगा, ऑपोजिशन पार्टीज ने इसका फायदा उठाया, बीजेपी ने इसका फायदा उठाया, और फाइनली जब 2014 इलेक्शन आए हार हुई, करारी हार हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और बीजेपी सत्ता में आई, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, और उसके बाद फिर मनमोहन सिंह जी ने रिटायरमेंट ले लिया। तो ये चीज थी, और उसके बाद फिर इनको बहुत कुछ बोला जाता था, मतलब काफी इनकी वर्ल्ड में तारीफ हुई, ग्लोबल लीडर थे ये, काफी दुनिया भर ने इनकी बहुत ज्यादा तारीफ की, और इसमें फोर्ब्स मैगजीन में भी इनका नाम आता रहा, मोस्ट पावरफुल मैन के हिसाब से 18 और उसके बाद 19, 28, 2012, 2013, तो ऐसा नहीं था, मनमोहन सिंह बहुत ही वीक थे, शायद वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, वो ग्रोथ रेट, अरे इकोनॉमिस्ट थे ना इसीलिए ऐसी बात है, लेकिन वही है ना कि अपनी बातों को बहुत अच्छे से वो रख नहीं पाते थे, क्योंकि वो थोड़ा सा इग्नोर करने में ज्यादा बिलीव करते थे, ये उनके अगेंस्ट किया। खैर इस समय वो रिटायरमेंट पे हैं और बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहे हैं आराम से, इस समय आई होप वो लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, करनी भी चाहिए, देश के लिए इतना कुछ किया तो अब तो एंजॉय करने का वक्त है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा, नरेंद्र मोदी जी की बायोग्राफी, राजीव गांधी जी की भी बायोग्राफी आपको बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगी, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच।